हम मिडिल क्लास लोग हैं जनाब। हमारे घर में हैंड वॉश की बोतल तो बाद में आती है, पहले उसमें पानी डल जाता है। घर में एसी तो है पर चलेगा तभी जब घर में गेस्ट आएंगे। इनसे मिलिए, ये है हमारे पापा जी, द कंजूस डैड। और इनके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, और रात कैसे होती है ये तो तभी बताएंगे ना जब रात होगी। एंजॉय। वाह, मानना पड़ेगा रोज अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हो। तो पैसे बचाने हैं तो जल्दी तो उठना पड़ेगा ना लीला। पैसे और सोने का क्या कनेक्शन? काश तेरी बुद्धि भी तेरी जुबान की तरह तेज चलती होती। अरे अगर मैं अलार्म बजने के बाद उठूंगा तो फालतू का सेल यूज होगा और फिर सेल खत्म हो जाएगा और फिर नया सेल लाने के लिए फालतू खर्चा होगा और उस खर्चे को बचाने के लिए मैं रोज जल्दी उठ जाता हूँ। हे भगवान, ये आदमी भी ना, एक ही जिंदगी मिली है, बार बार मौके नहीं मिलते, जी लो ढंग से। मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर शादी से पहले दिखाया होता ना, कम से कम बच्चे तो सुंदर होते अपने। मम्मा इसका मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? मतलब मेरे साथ कोई लड़की शादी नहीं कराएगी? बस कर टीटू, अपनी पहली वीडियो है, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट जाएंगे। चुप करो तुम दोनों। और हाँ, आप जल्दी उठ ही गए हो ना, तुम घर के काम में मेरे कोई हेल्प ही करा दो। जाओ मार्केट से सामान लेके आओ। हाँ पापा जल्दी जाओ, वो पड़ोस वाली छन्नो आंटी है ना, वो भी अभी निकली है सब्जी लेने के लिए। क्या बेटे, ऐसे बाप के साथ मजाक नहीं करते। और तुम लोग अब स्कूल नहीं जाना आज? पापा संडे है आज। एक कम वक्त स्कूल वाले भी फीस पूरी महीने की लेते हैं और 4-5 महीने में त्योहार आ जाते हैं और 3-4 संडे आ जाते हैं, तो ऐसे करके मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। तो क्या पापा हम बच्चे संडे को भी रिलैक्स ना करें? तेरे रिलैक्स का फैक्स। अब यही बैठे बैठे दोपहर करोगे या जाओगे भी? अब पापा मैं भी चलूंगा। पापा पापा मैं भी जाऊंगी। अरे यहाँ कोई एक पे एक ऑफर चल रहा है क्या जो मैं भी चलूंगा लगे पड़े हो? अरे जा रहा हूँ ना लीला, बनियान में थोड़ी ना जाऊंगा, बगल के बाल दिखेंगे, इतने इतने हुए पड़े हैं। चलो बच्चों फॉलो मी। 2 hours later। पापा मुझे कंधे पे उठा लो। अच्छा पहले तेरी माँ सर पे चढ़ी, अब औलाद की कसर रह गई थी बस। तो कम से कम ऑटो ही ले लो पापा। अब कोई जरूरत नहीं है ऑटो पे जाने की, अब इतना तो मैंने अपनी जिंदगी में पेट्रोल नहीं डलवाया जितना ऑटो वाला किराया मांग लेगा। पापा अगर इस गर्मी में हम घर ना पहुंचे ना जल्दी तो बीमार हो जाएंगे, फिर दवाई का खर्चा अलग से आएगा। बात तो सही कह रहा है लड़का। अब ये कौन खाएगा? पापा मैं पापा। मैंने एक काम करता हूँ, इसको माना दूर फेंकता हूँ और जिसने पहले भाग के उठा लिए उसकी जाओ। पापा मुझे भी चाहिए। अब अच्छा अच्छा रो मत, मेरे पास एक और टॉफी है, जा। चलो चलो। फिर से इसने ले ली पापा। अब बिल्कुल अपनी माँ पर गई है रोंदू। चल लो चलो एक और है टॉफी। पापा अब तो मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, अब तो ऑटो ले लो। बेटा मुंह घुमा के तो देख, घर आ गया वो भी इतनी जल्दी। क्या यार पापा इतनी कंजूसी। 4 रुपए की टॉफी में ऑटो का खर्चा बच गया। हेलो मेरे घर पे। हेलो मिस। हाय गाइस, तो अगर आपको हमारी कंजूस डेड पार्ट 1 अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें जो आपको डायलॉग अच्छा लगा। और ये गाइज अभी हमारा पार्ट वन है, अभी हम इस पे रिस्पांस देखेंगे कैसा है। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो इससे भी बहुत जबरदस्त हम पार्ट टू लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो में कोई कमियां लगती है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बोलते हो कि ऐड कर सकते हैं हम वीडियो में, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। 10,000 लाइक्स हम पहली वीडियो पे सोच रहे हैं कि 10,000 लाइक्स आने चाहिए, तो 10,000 लाइक्स अगर हमारी वीडियो पे हो गए तो सेकंड पार्ट की हम अनाउंसमेंट कर देंगे। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, कॉमेडी वीडियो, पहली वीडियो। और भी किसी भाई, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।